हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविंग से। आज हम बात करेंगे दोस्तों 17 अप्रैल की रेस की। और पहली रेस 3 बजे, आखिरी रेस 5:30 बजे। दिल्ली की रेस है दोस्तों, टॉपर्स इज ऑन फील्ड मैं लेके नहीं चलूँगा और सीधा सिलेक्शन ही लेके चलूँगा। और पहली रेस 1000 मीटर की है, 3 ईयर ओल्ड की। 2 नंबर है रिंकू रोमियो। पहले रन में 11 पाई के आगे फेवरेट था और 6 घोड़ों में तीसरा लगा था। और लास्ट टाइम भी यार बोर्ड आउट हुआ है घोड़ा। और इस बारी TS ऑन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि धानू दोबारा राइड कर रहा है। लास्ट टाइम भी धानू ने चलाया था। उम्मीद करते हैं कि घोड़ा इस बारी जीते। और सेकंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1600 मीटर की रेस है और क्लास 5 की। यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा 8 नंबर फियर ऑफ गोल्ड। कैप्रीफिला घोड़ा है यार, इम्तियाजी सेठ जी के पास था और लास्ट टाइम काफी क्लोज फिनिश किया है राकेश के नीचे। और यहाँ पे सूज का भी बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं घोड़ा बोर्ड में तो रहे रहे और जीतने के भी चांस है। उससे पहले अगर आप देखेंगे 1400 मीटर का अच्छा रन है, गुड साइकिल लगा हुआ है अक्षय गुना के आगे। और यहाँ पे स्टील से एल्युमिनियम हो रहा है इस बारी। और घोड़े या निस्बाती विंग भी है इसमें, बहुत घोड़े हैं। बट दूसरा पिक मैं लेके चलूंगा इसी रेस में 1 नंबर मिस जो है अफजल खान। और ये घोड़ा भी ठीक है यार, गुरबाज के आगे गुड साइकिल लगा हुआ है क्लास 5 में। और गुरबाद मेरे ख्याल से कल क्लास 4 जीता है, तो लास्ट टाइम विप लॉस हुई थी संदीप राजपूत के नीचे। इस बारी उम्मीद करते हैं कि घोड़ा जीते यार। और आ जाते हैं दोस्तों थर्ड रेस में। थर्ड रेस 1200 मीटर क्लास 2 के है। ये मुझे यार काफी कॉम्प्लिकेटेड रेस लग रही है, मैं इसमें सिंगल ही पिक लेके चलूंगा। 1 नंबर एडोरेबल अर्जुन विदाउट विप है जॉकी और 5 किलो का अलाउंस का बेनिफिट है। लास्ट टाइम माई हंटर के आगे 14 घोड़ों में तीसरा लगा। उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को दोबारा मिले, बाकी घोड़े बहुत हैं यार इसमें और 1-2 के बैट वैसे ही यही है। आ जाते हैं दोस्तों चौथी रेस में। 1200 मीटर की रेस है और यहाँ पे क्लास 2 की। और यहाँ पे घोड़ा जो मैं पिक लेके चलूंगा 7 नंबर बोनीता। शायद सिंगल ही हॉर्स होना चाहिए वैसे तो, बुक के हिसाब से भी डे वेज दे रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा घोड़ा पिक लेके चलूंगा दोस्तों इसी रेस में मैं 3 नंबर फेरल। फेरल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है घोड़ा। और जुल्फीकार जी के पास अब्दुल फजल 3.5 किलो का अलाउंस है, मुंबई से घोड़ा आया था। देखते हैं क्या बीट कर पाएगा इसको बोनीता को। और आ जाता है पांचवी रेस में। 1000 मीटर की रेस है क्लास 3 की। और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा 1 नंबर कॉर्नल हार्टी पी किरण राय है। और लास्ट टाइम घोड़ा यार लग रहा था कि जीतेगी अब्दुल फजल के नीचे 1200 में, बट मुझे ऐसा लगा, बाकी हैंगिन हुआ है क्या हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि वेट मतलब घोड़ा रुका लास्ट मोमेंट में, वो जीत सकता था। बट काफी क्लोज फिनिश था इंडियन पहाड़ाओं के आगे। और इंडियन पहाड़ाओं भी मल्लिका अर्जुन जी का घोड़ा है और उम्मीद करते हैं इस बारी 1 नंबर का गेट है, वेट काफी ज्यादा दिख रहा है। बट उम्मीद करते हैं लास्ट रन के हिसाब से 1100 मतलब 1000 मीटर में घोड़ा जीते। और दूसरा घोड़ा इस रेस में पिक लेके चलूंगा दोस्तों 2 नंबर टुमारो ड्रीम्स अब्दुल फजल के नीचे। लास्ट टाइम अब्दुल फजल ने ही जिताया 1000 मीटर में और बढ़िया घोड़ा है। और यहाँ पे शूज भी चेंज हो रहे हैं, 3.5 किलो का वेट का भी अलाउंस है, तो उम्मीद करते हैं एक बेटर रन दोबारा देखने को मिले। और आ जाते हैं दोस्तों उसके बाद छठी रेस में। 1100 मीटर की रेस है क्लास 4 की। और यहाँ पे मैं सिंगली हॉर्स पिक लेके चलूंगा दोस्तों यार। इसमें वैसे आप ऑर्चिड भी नजर रख सकते हैं। और मैं जो पिक लेके चलूंगा, अभी घोड़ा भागा था यार, 12 नंबर इमोर्टल गेस्ट पी किरण राय। ये घोड़ा भी यार दतूरा के आगे, नो डाउट दतूरा और ये साथ में भागे हुए थे, बट ठीक है, बस पुराना जो हो गया हो गया। उम्मीद कर सकते हैं कि इस बारी घोड़ा जीते यार। 100 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, पी किरण राय के नीचे सेम जॉकी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यार दिल्ली के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों। और इसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 दिन का गैप है और उसके बाद मिलते हैं। बाय, टेक केयर मेरे भाइयों। बाय यार, बाय बाय बाय।